कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे। दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी है और वायनाड को छोड़ दिया है। पार्टी ने फैसला किया है कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी वायनाड सीट से पहली बार मैदान में उतरेंगी। वायनाड सीट छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा रायबरेली और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में वायनाड का सांसद था, वहाँ के सभी लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीच बीच में मैं भी वहाँ जाता रहूँगा। उन्होंने आगे कहा कि वायनाड को लेकर जो हमने वादा किया है उसे पूरा करेंगे। रायबरेली से हमारा पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा। मेरे लिए ये आसान निर्णय नहीं था क्योंकि जुड़ाव दोनों जगह से है। वायनाड के लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी दो जगह से जीत कर आए हैं। कानून के तहत उन्हें एक सीट चुनना है और एक खाली करनी पड़ेगी। कल आखिरी तारीख है, आज हमने बैठक की है। राहुल गांधी को रायबरेली सीट चुननी चाहिए, वहाँ से जुड़ाव है, पीढ़ियों से लड़ते आए हैं। पार्टी ने तय किया है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और प्रियंका गांधी वहाँ से उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी वायनाड सीट से पहली बार 2019 में चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत भी मिली थी। तब अमेठी में राहुल गांधी को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी में हार के बाद राहुल गांधी वायनाड सीट से सांसद रहे। अब 2024 के चुनाव में राहुल गांधी एक बार फिर से दो सीटों से मैदान में उतरे थे। इसमें एक सीट वायनाड तो दूसरी रायबरेली सीट थी। इस बार राहुल गांधी दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। वायनाड की तुलना में राहुल गांधी को रायबरेली में ज़्यादा बड़ी जीत मिली है। इससे पहले रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास ही थी और सोनिया गांधी सांसद थी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी चुनावी राजनीति से खुद को अलग करते हुए राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई। सोनिया गांधी रायबरेली से 5 बार सांसद चुनी गई थी। 2019 तक रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के पास ही रही थी। सोनिया गांधी से पहले भी रायबरेली की सीट पर गांधी परिवार का वर्चस्व रहा था। यही वजह है कि रायबरेली की सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है।